काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे अपने राज्य में माल बेचना यानी इंट्रा स्टेट सेल करना। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे इंट्रा स्टेट सेल्स टू रेगुलर डीलर, इंट्रा स्टेट सेल्स टू कंपोजिट डीलर, इंट्रा स्टेट सेल्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर एंड कंज्यूमर। साथ ही बताएंगे कि इंट्रा स्टेट सेल के वक्त कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं। इसके पहले हमने आपको इंट्रा स्टेट परचेज वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 76 में बताया था कि इंट्रा स्टेट परचेज किसे कहते हैं। ठीक उसी तरह जब हम अपने राज्य की सीमाओं के अंदर माल बेचते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हम मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर के व्यापारी हैं और हमने मध्य प्रदेश के ही भोपाल शहर के किसी व्यापारी को माल बेचा, तो इस तरह अपने ही प्रदेश में किए गए विक्रय को इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। ये सेल तीन तरह की हो सकती है, रेगुलर डीलर को की गई सेल, कंपोजिट डीलर को की गई सेल, या फिर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को की गई सेल। ध्यान रखें, हम इनमें से किसी को भी माल बेचें, हर बिल में टैक्स लगाकर ही माल बेचना होगा, यानी हमारे लिए ये सभी सेल्स टैक्सेबल होंगी। आइए अब एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं। पहला है किसी रेगुलर डीलर को माल बेचना। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमने दीपक ट्रेडर को, जो कि इंदौर का ही रेगुलर डीलर है, 2 अप्रैल को 15,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 5 प्रिंटर उधार बेचे, जिस पर 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया। चलिए अब हम इसका बिल बना लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे और फिर सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे। हमने ये माल 2 अप्रैल को बेचा है, तो हम F2 प्रेस करके वाउचर की डेट चेंज कर लेते हैं। हमने दीपक ट्रेडर को उधार माल बेचा है, इसलिए उसका लेजर बना लेते हैं। अंडर में सन्ड्री डेटर सिलेक्ट करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखना है। एड्रेस में पार्टी का एड्रेस टाइप करेंगे। और यहां स्टेट मध्य प्रदेश ही रहने देंगे। अब पिन कोड टाइप कर देंगे। यहां हम पार्टी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देना चाहते हैं, पर यहां पर उसका कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हमें F12 प्रेस करके अब यहां पार्टी डिटेल्स के अंतर्गत दिखाई पड़ रहे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शन को यस करना होगा। अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मोबाइल नंबर और प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शन आ गए हैं। मोबाइल नंबर में हम पार्टी का मोबाइल नंबर डाल देंगे। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शन अभी नो है, तो हम इसको यस कर देंगे। ऐसा करते ही देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स की स्क्रीन आ गई है। हम जिस पार्टी का लेजर बना रहे हैं और यहां हम जिस व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन में उसका नाम टाइप करना होगा। यहां उससे संबंधित अन्य जानकारी टाइप करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। यहां पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद है सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसे नो ही रहने देंगे और इसे सेव कर लेंगे। देखिए, हम एंटर प्रेस करते हुए पार्टी डिटेल्स की विंडो पर आ गए हैं। यहां पर पार्टी का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर एक बार फिर से चेक कर लें।
यहाँ हमें सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है जो कि हमने नहीं बनाया है, तो हम इसे बना लेते हैं। अंडर में सेल्स अकाउंट्स ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम टाइप ऑफ सप्लाई पर आ गए हैं। यहां पर हम गुड सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे सेव कर लेंगे। आइटम में हम प्रिंटर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी में 5 और रेट में 15,000 टाइप कर रहे हैं। ये देखिए यहां पर अमाउंट में 75,000 आ रहा है। यदि हमने कोई और आइटम भी बेचा होता तो उसे भी इसी तरह सिलेक्ट कर लेते। हमने और कोई आइटम नहीं बेचा है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, हमने ये सेल अपने ही स्टेट के अंदर किया है, इसलिए यहां पर हमें CGST और SGST लगाना होगा। CGST और SGST के लेजर कैसे बनते हैं ये हमने आपको इंट्रा स्टेट परचेस वाले वीडियो में बताया है। ये देखिए, जैसे ही हमने CGST सिलेक्ट किया, 9% के हिसाब से 6,750 रुपीस आ गए हैं। अब SGST सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, SGST में भी 9% के हिसाब से 6,750 रुपीस आ गए हैं। और अब बिल की टोटल वैल्यू भी 88,500 आ रही है। देखिए बिल वाइज डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि बिल वाइज डिटेल्स और उसकी चारों मेथड्स न्यू रेफरेंस, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट के बारे में हम आपको पहले की वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। देखिए बिल वाइज डिटेल्स में यहाँ न्यू रेफरेंस सिलेक्टेड है और हमें यही चाहिए। अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अभी हमने जो बिल बनाया है पेज अप प्रेस करके उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। हम इसे जूम कर लेते हैं। अब हम GST की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए Alt और G प्रेस कर रहे हैं। यहाँ GST टाइप कर रहे हैं और GSTR1 पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि GST की सेल रिपोर्ट हमें GSTR1 में मिलती है। ये देखिए, अभी हमने जो सेल की थी वो B2B में दिखाई पड़ रही है। अब हम एस्केप की प्रेस करके वापस वाउचर पर आ गए हैं। अब दूसरे टाइप का बिल जो कि कंपोजिट डीलर को माल बेचने का है उसे बना लेते हैं। कंपोजिट डीलर भी एक रजिस्टर्ड डीलर है और इसके बारे में हम आपको GST इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुके हैं। हमने एक कंपोजिट डीलर अशोक ट्रेडर्स को, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का डीलर है, 2 अप्रैल को 15,000 रुपए के भाव से एक प्रिंटर उधार बेचा। अभी हम सेल्स वाउचर पर हैं। सबसे पहले हमें पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा। यहां हम अशोक ट्रेडर्स टाइप कर रहे हैं। अंडर में सन्ड्री डेटर ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां एड्रेस टाइप करेंगे। यहां स्टेट मध्य प्रदेश ही रहने देंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां रजिस्ट्रेशन टाइप में कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे और यहां उसका GST नंबर टाइप करेंगे। अब इस लेजर को सेव कर लेंगे। हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी डिटेल्स की विंडो आ रही है, इसे भी चेक करके सेव कर लेते हैं। हम वापस सेल्स वाउचर पर आ गए हैं। यहां हम सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम में प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। यहां पर क्वांटिटी टाइप करेंगे
ये देखिए रेट में वही रेट आ रहा है जिस रेट में हमने माल बेचा है। इसके अलावा हमने और कोई आइटम नहीं बेचा है, इसलिए एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। यहां हमें टैक्स के लेजर सिलेक्ट करना होंगे। याद रखें ये सेल भी स्टेट के अंदर ही की गई है, इसलिए हम यहां CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। अब GSTR1 पर जाकर इसकी GST रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए अभी हमने जो माल बेचा वो GSTR1 में B2B में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें जब हम GST की परचेज रिपोर्ट GSTR2 के B2B में देखते हैं तो उसमें सिर्फ रेगुलर डीलर से की गई खरीद ही दिखाई पड़ती है, जबकि यहाँ हम GST सेल्स की जो रिपोर्ट GSTR1 के B2B में देख रहे हैं इसमें किसी भी रजिस्टर्ड डीलर यानी रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर दोनों को बेचे गए माल की रिपोर्ट दिखाई पड़ती है। अभी हमने आपको रेगुलर डीलर और कंपोजिट डीलर को माल बेचना बता दिया। आइए अब तीसरे टाइप की सेल्स को भी समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने GST इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जिन डीलर्स के पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उन्हें अनरजिस्टर्ड डीलर कहते हैं। इस तरह के डीलर्स का कारोबार बहुत छोटे पैमाने पर होता है। इसी तरह प्राय जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होते हैं उनके पास भी GST रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इन दोनों के बिल बनाने की प्रोसेस एक ही है, चाहे हम अनरजिस्टर्ड डीलर का बिल बनाएं या कंज्यूमर का बिल बनाएं, दोनों की रिपोर्ट B2C में दिखाई पड़ती है। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक कस्टमर आया और उसने कहा कि उसे एक मॉनिटर चाहिए जिसका पेमेंट वो हमें तुरंत कर रहा है। इसका मतलब हम जो बिल बनाएंगे वो नकद का बनाएंगे यानी कि कैश सेल का। हम सेल्स वाउचर पर हैं, पार्टी नेम में कैश सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ऑर्डर डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। चूंकि पार्टी ने ये माल कैश में खरीदा है इसलिए यहाँ मोड ऑब्लिक टर्म्स ऑफ पेमेंट में हम कैश टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम पार्टी डिटेल्स पर आ गए हैं। यहाँ हम बायर्स के आगे बायर का नाम टाइप कर रहे हैं। यहां उसका एड्रेस टाइप करेंगे। स्टेट में मध्य प्रदेश ही रहने देंगे क्योंकि वो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का ही है। यहां यदि बायर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो हमें अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करना होगा और यदि कंज्यूमर है तो कंज्यूमर सिलेक्ट करना होगा। हम कंज्यूमर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। पहले की तरह ही यहां हम सेल्स लेजर सिलेक्ट करेंगे। आइटम नेम में मॉनिटर लेंगे, क्वांटिटी 1 और रेट 12,000 रुपीज टाइप करते हुए हम नीचे आ गए हैं। अब हमें CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करना होंगे। ये देखिए हमने दोनों टैक्स लगा दिए हैं। अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। हमें कस्टमर को बिल देना है तो आइए उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। यदि यहां बायर के आगे पार्टी की डिटेल्स आ रही है तो ठीक है, पर कई बार ऐसा भी होता है जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, बिल बनाते समय हमने पार्टी की पूरी डिटेल्स दी थी पर वो यहां दिखाई नहीं पड़ रही है, उसकी जगह केवल कैश लिखा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या करना होगा? तो यहां हमें वापस प्रिंट स्क्रीन पर जाकर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। उसके लिए यहां पर हम टाइप करेंगे पार्टी। ये देखिए यहां शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर ऑप्शन यस है। हम इसे नो करके इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं और फिर से प्रीव्यू देख लेते हैं।
ये देखिए कैश की जगह अब पार्टी की पूरी डिटेल्स आ रही हैं। आइए अब इसकी जीएसटी रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए जीएसटीआर 1 पर जाएंगे। ये देखिए अभी हमने जो बिल बनाया था उसकी रिपोर्ट B2C स्मॉल में दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको इंट्रा स्टेट सेल्स के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम आपको इंटर स्टेट सेल्स के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।